नमस्कार, आप देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज चैनल, मेरे यानी सारा सिंह के साथ। चलिए नजर डालते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट पर। कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी बिहार झारखंड के असहाय 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह गया। बिहार झारखंड की एकमात्र संस्था जो कि बाल विवाह दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए बिहार झारखंड के भिन्न भिन्न जिलों में अनाथ गरीब असहाय कन्याओं के माता पिता को कन्या विवाह और विकास सोसाइटी के पदाधिकारी के द्वारा जागरूक करते हुए कि बेटी को बोझ न समझे और न बेटी को शिक्षा से वंचित करे, इन्हीं सभी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु समिति ने झारखंड के गढ़वा शहर के ददरू नदी छठ घाट में 151 कन्याओं का सामूहिक विवाह संस्था के सचिव विकास माली ने कर एक इतिहास रचने का काम किया है। ये लगातार चलता रहेगा जब तक कि बाल विवाह दहेज प्रथा बहिष्कार न हो जाए। श्री विष्णुपद गया जी सम्मान से मेयर पूर्व उप मेयर को श्री विष्णुपद प्रबंधन समिति द्वारा गया राजकीय पितृपक्ष मेला शक्ति उपासना का महापर्व दुर्गा पूजा दीपावली एवं लोक आस्था का महान पर्व छठ पूजा के अवसर पर गया नगर निगम द्वारा शहर में प्रकाश व्यवस्था एवं बेहतर सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने में प्रशंसनीय योगदान के लिए रविवार को श्री विष्णुपद प्रबंधिकारी समिति 14 सैया गया पाल समाज के अध्यक्ष शंभुलाल विट्टल, सचिव गजाधर लाल पाठक, कोषाध्यक्ष सुनील लाल हल, सदस्य मणिलाल बारिक, प्रवीण पाठक के द्वारा मंदिर परिसर स्थित कार्यालय कक्ष में महापौर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान एवं पूर्व उप महापौर सह नगर निगम में सशस्त्र स्थायी समिति के सदस्य अकोरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव को श्री विष्णुपद गया जी सम्मान प्रदान किया गया। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री श्रींदे अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम सुशासन दिवस के अवसर पर भाजपा नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा जी के नेतृत्व में गया शहर के शामिल तकिया रविदास टोला में सैकड़ों महिलाओं एवं पुरुषों के बीच कंबल वितरण किया गया। इस अवसर पर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी को सोच था कि अंतिम पायदान में रहने वाले व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा में जोड़ना ही भाजपा का उद्देश्य रहा है। जब तक उनको घर, शौचालय, पीने का पानी, खाना, रोजगार नहीं मिलेगा तब तक इनका उद्धार नहीं होगा। 2014 के बाद देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को साकार किया है, यही इनकी सच्ची श्रद्धांजलि है। आज इन्हीं के सपनों को साकार करने के लिए मैंने गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता, जिला मीडिया प्रभारी संतोष ठाकुर, दीपक पांडे, राणा रंजीत सिंह, वार्ड पार्षद 19 मुन्नी देवी, महेश यादव, हीरा यादव, सुनील रविदास, बबलू गुप्ता, रेखा गुप्ता, कारू सिंह, उमेश कुमार सहित दर्जनों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आशा है आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।